हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में बात होगी नए ट्रेन्स के बारे में, जिनकी संख्या लगभग 300 होंगी। कौन लोग इन ट्रेन में सफर कर सकते हैं, कहां से कहां तक चलेगी, क्या नए अनुमति हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का क्या नया फैसला है, जो सुनते ही मैं एकदम खुश हो पड़ा। आप भी जरूर खुश हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल के इस नए फैसले से, सुनिएगा जरूर। एयरटेल का अगर सिम आप यूज करते हैं तो एक नया ऑफर है आप सभी के लिए। लॉकडाउन आपका कुछ आसान करेगा एयरटेल इस नए फ्री ऑफर के तहत। और सबसे जरूरी बात कवर स्टोरी में होगी कि क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एग्जीक्यूटिव ने ये तक कह दिया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन एक साल में तो क्या कभी नहीं आ सकती। लेकिन सबसे पहले आप सभी का पसंदीदा गेम क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट्स में लिख कर बताइए कि राम जी के गुरु का क्या नाम था। रामायण तो आपने देखी ही है, फटाफट इस आसान से सवाल का जवाब दीजिए। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है श्री मंगल पांडे। क्या आप सभी को पता है कि लगभग 40 साल से एचआईवी बीमारी से 32 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। 3,20,00,000 की ये संख्या है और इसकी वैक्सीन आज तक नहीं बनी है। डेंगूवैक्सिया एक बीमारी है जिसे आमतौर पर आप डेंगू कहते हैं, इसकी भी कोई पुख्ता वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हुई है और हर साल लगभग 4,00,000 लोग इसके लपेटे में आते हैं। दशकों पुरानी ये बीमारियां हैं, खोज और शोध अभी तक चल रहे हैं पर इनका पुख्ता वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है। और यही सेम केस अप्लाई हो सकता है कोरोना वायरस के वैक्सीन की खोज में। लगभग 100 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में। 2 से ज़्यादा ट्रायल ह्यूमन टेस्टिंग स्टेज पे आ चुके हैं। उम्मीद है कि एक साल के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन CNN को बताते हुए WHO के एक एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड नबार्जो का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, देश और दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, सबका दिमाग केवल और केवल कोरोना वायरस के वैक्सीन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन किसी बात की कोई भी पुख्ता एश्योरेंस नहीं है कि वैक्सीन तुरंत ही आ जाएगी या एक साल के अंदर ही आ जाएगी। आप सभी संयम बरतें, बचाव करें। और उन्होंने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के बारे में भी लोगों को अलर्ट किया है। एक ओर हम कोरोना वायरस से परेशान हैं और एक ओर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस शक्ल में कुछ इंसानों से। उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में एक औरत जाती है और कहती है कि हम एक ऐसे NGO से हैं जो कि इस गांव में फ्री खाने की सप्लाई करना चाहती है, सब्जियों से लेकर दाल चावल, राशन, दूध और अंडे तक सप्लाई करना चाहती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, वो यहाँ तक सामान पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए गांव के प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक परिवार को 200-200 रुपये का डोनेशन देना होगा, चंदा देना होगा। और ये केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन फीस है, बाकी सामान तैयार है, माल तैयार है, बस पहुँचने वाला है। आप सभी मुझे अपनी फोटोग्राफ्स दीजिए, मैं रजिस्टर में नाम नोट कर ले रही हूँ। ऐसा इसने गेम रचा कि गांव के लगभग आधे परिवारों ने इसको 200-200 रुपये दान दिया। सरपंच थोड़े बुद्धिमान थे, इसको पकड़कर उन्होंने डिटेन कर लिया, पुलिस को इन्फॉर्म की, पुलिस आई और फिर ये औरत अपने आप ही सच्चाई उगल बैठी कि मैं फ्रॉड कर रही थी, कोई ऐसी NGO नहीं एग्जिस्ट करती है। फिर घुटनों पर बैठ के इन्होंने माफ़ी मांगा, कोई रिटन कंप्लेन नहीं दी गई तो पुलिस ने इनको वार्निंग देके इनसे लेटर ऑफ एश्योरेंस लेके इनको छोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एडू बर्नर ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले भी बताया है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से हमसे जुड़े भी हैं। एडू बर्नर टीम आप सभी को कोर्सेस सप्लाई करती है। कोर्सेस कौन सी, इसमें कोई हम कक्षा 10, 11, 12 की पढ़ाई नहीं करवाते हैं, बल्कि आप कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, इंटरनेट की दुनिया में कैसे आकर आप पैसे कमा सकते हो, एडू बर्नर आपको यही सिखाना चाहती है। हाँ, कुछ कीमत भी आपसे लेंगे ये लोग, लेकिन फिलहाल आप इनका रॉक टिकटॉक कोर्स परचेज कर सकते हो। टिकटॉक इस समय एक बहुत ज़्यादा चर्चित प्लेटफॉर्म है, इस पर आकर अपना टैलेंट दिखाकर, अगर कुछ टैलेंट नहीं है, कोई स्किल भी है या फिर आपके अंदर मेहनत करने की चाह भी है, तो भी आप रॉक टिकटॉक का ये कोर्स खरीदिए। इसके अंदर सीखिए कि कैसे आप टिकटॉक पे आगे बढ़ सकते हैं और फिर टिकटॉक पे धूम मचाइए।
पैसे भी पर्याप्त आजकल ब्रांड्स देती हैं टिकटॉक पर, तो आप कमा सकेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यूट्यूबर के साथ एक टिकटॉकर भी हूँ, उस पर मैं काम की न्यूज़ बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, हमारे मिलियंस में फॉलोअर भी हैं। इसीलिए मेरा खुद का ये कोर्स है रॉक टिकटॉक, मैं खुद आप सभी को सिखाऊंगा। तो मुझसे आप रॉक टिकटॉक कोर्स में मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एडू बर्नर की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कीजिए। कोर्स सीधा आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पे चला आएगा, वहां से इसको देखिए और आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिलेगा, मुझसे आप व्हाट्सएप चैटिंग या बातें भी कर सकोगे, आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा। टिकटॉक अभी एक अपॉर्चुनिटी है, कल को इसमें कुछ कठिन टर्म्स एंड कंडीशन आ सकते हैं, इसीलिए अभी मौका है, मार लीजिए चौका। अगली खबर की ओर बढ़े तो HRD मिनिस्ट्री ने JEE और NEET के लिए एग्जाम्स की फाइनल डेट अनाउंस कर दी है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो बता दूं 18 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई और 23 जुलाई वो तारीख होंगे जब आप JEE का अपना एग्जाम दे सकते हैं। JEE एडवांस की परीक्षाएं अगस्त के महीने में होंगी। और जो लोग मेडिकल कॉलेजेस की सीट गेन करना चाहते हैं, नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम 26 जुलाई को होगा, तो आप इस डेट को नोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि परिस्थितियों को देखकर रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, पर आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्स होंगे ज़रूर। आपको याद होगा जब दिल्ली में राइट्स चल रहे थे, CANRC को लेकर विरोध चल रहा था, तो देश के कई सारे हिस्सों में बंद कर दिया गया था 4G इंटरनेट। सोचिए अगर फिर से वही स्थिति आ जाए तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। और ये स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 6 महीने से बनी हुई है। जनवरी के महीने में 4G इंटरनेट को डिसेबल करके वहाँ पर केवल 2G सर्विस को अवेलेबल किया जा रहा है, और 4G सर्विस के इंटरनेट को न चालू रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बयान है कि इसके चलते टेररिज्म बढ़ता है। वहाँ पर जो शैडो सोशल अकाउंट्स बनाए गए हैं उस पर वीडियो अपलोड करते हैं पाकिस्तान के कुछ खुराफाती लोग, और उसके माध्यम से वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, लोगों के अंदर अराजकता फैलती है और गंभीर होता है वहाँ का माहौल। बीच में इंटरनेट चालू भी होते रहते हैं, बंद भी होते रहते हैं, पर ज़्यादातर जनसंख्या इंटरनेट की पहुँच में नहीं है। पेटिशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट में बात आई, कहा गया जनता की ओर से कि इंटरनेट न होने की वजह से लॉकडाउन में और भी समस्या हो रही है, जैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप जानते हैं जब तक इंटरनेट अच्छा हो नहीं ली जा सकती हैं, तो पूरा एजुकेशन गड़बड़ाया हुआ है। जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे हैं, इस समय डिजिटल ट्रांजेक्शन की बहुत ज़रूरत है, नोट को लोग छूने से कतरा रहे हैं क्योंकि उस पर कोरोना वायरस हो सकता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का इस पर अभी तक कोई क्लियर जजमेंट नहीं आया है। उम्मीद है कुछ अच्छा हो, कुछ तरीका खोजा जाए ताकि वहाँ के लोग भी 4G इंटरनेट चला सकें। एयरटेल ने एक बोनजाना ऑफर लाया है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। इन्होंने क्लियर अनाउंस किया है कि अगर आप 149 रुपीज़ के ऊपर का रिचार्ज कराते हैं तो आप सभी को Z5 का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। Z5 एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंटेंट देखते हैं, वहाँ पर आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, तो उनका आप लुफ्त उठाइए। अगर आप नॉर्मल एयरटेल के यूज़र हैं तो लगभग 200 रुपये का रिचार्ज तो हर महीने कराते ही होंगे। अब से आप Z5 का सब्सक्रिप्शन भी पा सकते हैं जिसकी कीमत हज़ारों रुपये में है सालाना सर्विसेज के लिए। एयरटेल के ब्रॉडबैंड यूज़र्स और पोस्टपेड यूज़र्स के लिए भी सेम ऑफर अप्लाई होता है। अगर भारत एक शरीर है तो इसकी रगें, इसकी नस है इंडियन रेलवे। रेलगाड़ियाँ छुक छुक करती जो भागती हैं। आप सभी को बता दूं कि लॉकडाउन में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय इतिहास में पूरे भारतीय रेलवे को सस्पेंड कर दिया गया हो। इसके चलते बहुत सारी समस्याएं आई, जो श्रमिक मजदूर माइग्रेंट पीपल एक जगह से दूसरे जगह गए थे वो फंसे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई भी गई लगभग 5 की संख्या में। अब इसको बढ़ाने का इरादा है, लगभग 300 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 300 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी तो जो लोग दूसरी जगह फंसे हैं वो वापस आ सकेंगे अपने घरों में। सवाल मन में आता है कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ चलेगी, तो सुनिए, अगर महाराष्ट्र सरकार कहती है बिहार गवर्नमेंट से कि हम यहाँ से आपके यहाँ भेजना चाहते हैं कुछ मजदूर जो कि आपके यहाँ से फंसे हैं, तो इंडियन रेलवे को दोनों सरकार रिक्वेस्ट करेगी और इंडियन रेलवे एक ट्रेन चला देगा।
सेंट्रल से इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। इंडियन रेलवे सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे करेगा। अगला सवाल आता है कि कौन ट्रैवल कर सकता है। लगभग 1000 से 1200 की संख्या में जो लोग भी प्रशासन को कहते हैं अपने इलाकों में कि मुझको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, प्रूफ देते हैं अपने आइडेंटिटी की, उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाता है और उनको घर भेजा जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो IRCTC के ऐप से बुकिंग ना करिए, बल्कि अपने जोनल एरिया से प्रशासन अधिकारी से संपर्क करें और वो आपको वापस भेजने के लिए व्यवस्था करेंगे। आमिर खान के अगर आप फैन हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। इंटरनेट पे बात चल रही थी कि आमिर खान ने एक अनूठा तरह का डोनेशन दिया है। एक थैली में उन्होंने आटा भरा है 1 kg, पूरे ट्रक भर के ऐसी थैलियां भरी और इसको गरीबों की कस्बों में भेज दिया। और रात के 12-1 बजे की ये बात थी और अनाउंसमेंट किया गया कि जिसको 1-1 किलो चाहिए आटा वो आके ले ले। अब बहुत सारे लोग जिनके घरों में ऑलरेडी है वो नहीं गए, सोचे कि कौन सोते हुए उठे आधी रात को 1 किलो आटे के लिए जाए, लेकिन जिनको वाकई में ज़रूरत थी, जो सही में भूखे थे, वो गए लेने। और फिर जब आटे की थैली खोली गई तो उसके अंदर 15,000 रुपये पाए गए। ये खबर इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई, लोगों ने इसकी खूब सराहना की, पर आमिर खान जी ने ट्वीट करके बताया 4 मई को कि ये बात गलत है, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। हो सकता है कि ये कोई और कर रहा हो, कोई और रॉबिन हुड हो और अपना नाम का जिक्र न करना चाहता हो, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। अब ऐसा हुआ भी है कि केवल ये फर्जी खबर है, इस पर हम खुल के तहकीकात करेंगे और आपको बताएंगे ज़रूर। फिलहाल के लिए आमिर खान ने ऐसा नहीं किया है। दिल्ली गवर्नमेंट का वो कौन सा फैसला है जो कि मुझको बहुत पसंद आया, आप सभी को बताता हूँ, शायद आपको भी पसंद आए। उन्होंने लीकर के ऊपर 70% कीमतें बढ़ा दी हैं। इसे उन्होंने स्पेशल कोरोना फी का नाम दिया है। जो आइटम पहले 100 रुपये का परचेज करते थे वो 170 में आएगा और जो 1000 रुपये में करते थे वो 1700 में आएगा। तो इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में उन्होंने लीकर शॉप इसलिए ओपन की क्योंकि इससे हाई रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट को और उन पैसों का इस्तेमाल करके कोरोना से लड़ाई की जाएगी। फिर जब गाइडलाइंस आई कि लीकर शॉप ओपन होंगी तो लीकर शॉप के आगे हजारों की संख्या में भीड़ जमा होने लगी और पूरे देश से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे फैलने लगे, जिसको लेकर लोगों के अंदर डर हो गया कि कोरोना वायरस ऐसे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर शराब की दुकानें खुली रहेंगी तो कोरोना वायरस जरूर बढ़ जाएगा। क्या शराब पीना इतना जरूरी है? तो अगर जरूरी है तो 70% पैसे और दो दिल्ली सरकार को, स्टेट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कम लोग शराब खरीदने भी जाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो, आपको भी ये न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक छोड़िए। और आखिरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 27.1% से बढ़ चुकी है। पहले ही इंडिया के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बड़े संकट के रूप में और लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते ये और ज़्यादा बढ़ गया है। जनसंख्या इसका मूल कारण है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सब नॉर्मल होगा। उम्मीद के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, बेचारे 12 करोड़ वो लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी है, चाहे वो श्रमिक मजदूर हों, चाहे वो हों कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन के यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़। अब गलतियां बिजनेसमैन की भी नहीं है, उनका भी बिजनेस नहीं चल रहा है। विधि का विधान समझकर हमें इस सच को स्वीकार करना होगा और कल कैसे उज्जवल रहे इसके लिए अभी से मेहनत करनी होगी। आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा डेली डोज का एपिसोड पसंद आ रहा है, ज़रूर पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक के रेशियो देखकर मुझको काफ़ी खुशी मिलती है, कमेंट की संख्या बेहिसाब होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे के गेम में भी आप खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से अपना प्यार इस छोटे से बालक के ऊपर बरसाते रहिए और मैं खड़ा हूँ उसे बटोरने के लिए, समेटने के लिए। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।